नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। झांसी जनपद के कस्बा बवीना क्षेत्र में एक सरकारी इमारत पर सरेआम कब्जा हो रहा है और इसे प्रशासन मूक एवं मौन बना देख रहा है। आखिर प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस कब्जाधारी पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है। आपको बताते चलें कि बबीना की झांसी ललितपुर मेन रोड पर स्थित जल निगम तिराहे के पास बने पीडब्ल्यूडी के प्रतीक्षालय पर इन दिनों कबाड़े का काम करने वाले एक दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर वहां पुराना स्क्रैप खरीदा और बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दबंग व्यक्ति द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के अगल बगल खाली पड़ी वन विभाग की जमीन पर भी अवैध कब्जा करके काफ़ी एरिया को घेर कर उस पर अपना कबाड़ा रख लिया है। इस प्रकार इस दबंग व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी के साथ साथ वन विभाग की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी और वन विभाग दोनों ही खामोश बैठे हुए हैं। दोनों ही विभागों की खामोशी इन विभागों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो दबंग कबाड़ी का कहना है कि ना तो उसका पुलिस कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही पीडब्ल्यूडी और वन विभाग, क्योंकि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन विभागों को भी देता है। सूत्रों की माने तो यह व्यक्ति मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जिला बदर है और इस पर बसई थाने में कई प्रकरण भी दर्ज हैं। दिखाई जा रही इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार इस व्यक्ति ने यात्री प्रतीक्षालय के साथ साथ अगल बगल पड़ी वन विभाग की जमीन पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और यहाँ चाय नाश्ते का भी घुमटी लगा ली है। आखिर शासन और प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह अपनी आंखों के सामने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण होने दे रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ग्रामीण बवीना से दिलीप यादव की रिपोर्ट।